भैया, लीडर भैया, लीडर भैया। खादिम और अखबार वालों के खास गुलाम हैं, क्यों भाटिया जी, क्यों भाटिया जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, अगर ये अखबार वाले किसी गुमनाम आदमी को भी अपनी शहसुर्खियों में शामिल कर लें तो वो रातों रात अवामी लीडर बन जाता है। माल्टा खाए ना। अगर आप इजाजत दें तो सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, आपके लिए तो हम तीनों सारी रात जागते रहे। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि इलेक्ट होने के बाद आप अवाम के लिए क्या करना चाहते हैं? अच्छा सवाल किया आपने। अगर अवाम ने हम पर एतमाद किया तो हम अपने मजलूम भाइयों की बेपनाह खिदमत करेंगे। भाटिया साहब, महंगाई दूर करने के बारे में आपने कुछ सोचा है? नहीं। हाँ देखिए ना, हम इंशाल्लाह इख्तदार में आते ही महंगाई नामी चुड़ैल का गला घोट देंगे, और अगर फिर भी दाल आटा महंगा हुआ ना तो हम अपने प्यारे आवाम को केक पेस्ट्री खिलाएंगे। लीजिए ना आप लोग, आप भी खाए ना। शुक्रिया भाटिया जी। कोई और सवाल अगर आप लोगों के जहन में हो तो कीजिए ना, आप सवाल कीजिए ना। थैंक यू सर, no more questions. Okay, any more questions sir? Thank you everybody. आओ भाई, अच्छे मियां क्या खबर लाए हो? एक बहुत अहम खबर है सर। नागा बस्ती का राजा उर्फ लीडर भैया करारदादे पाकिस्तान के मौका पर एक बहुत बड़ा जलसा करा रहा है। सुना है बस्ती वाले उसकी हर बात मानते हैं। मुझे यकीन है कि वो तमाम मजदूरों को आपके खिलाफ जरूर भड़काएगा। ठाकुर जी, देखिए ना, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी अपोजिशन लीडर हमारे सामने आए। पता कराना पड़ेगा कि ये लीडर भैया है क्या चीज। लीडर भैया जिंदाबाद, लीडर भैया जिंदाबाद, लीडर भैया जिंदाबाद, लीडर भैया जिंदाबाद, लीडर भैया जिंदाबाद।
भैया जिंदाबाद। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद और इस धरती पर बसने वाली गैरतमंद आवाम जिंदाबाद। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया करोड़पति, मुझे ये लीडर वीडर बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं उन लीडर्स में से हूं जो अपने नाम के नारे सुनकर अपने जमीर को बहलाने की कोशिश करते हैं। लीडर भैया जिंदाबाद के नारे तो पूरी बस्ती में गूंज रहे हैं। खैर, छोड़े इस बात को, एक खुशी की खबर लाया हूं। वो क्या है? देखिए, आपसे मिलने कौन आया है। कौन आया है? आइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहेब। हैदर? अरे हैदर, कहो तुम कब आए? आज ही आया हूं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी ट्रांसफर अब इसी शहर में हो गई है। ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। और आते ही मेरी ड्यूटी करारदाद पाकिस्तान के दिन होने वाले जलसे पर लगाई गई है और सुना है उस जलसे में आप भी बड़े जोर शोर से तकरीर कर रहे हैं। तुम तो जानते हो हैदर, मुझे सियासत से कोई लगाव नहीं, बस अपने गरीब भाइयों के हक के लिए कुछ कहता हूं तो ये लोग मुझे अपना लीडर समझते हैं। लीडर भैया, लीडर भैया, लीडर भैया, लीडर भैया। भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही अहम दिन है क्योंकि आज के दिन हमारे मुल्क की बुनियाद रखी गई। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम किसी वतन दुश्मन या किसी जर फरोश या किसी बदमाश को अपना वोट नहीं देंगे। हमें भाटिया और ठाकुर जैसे शैतान सिफत इंसानों को नहीं भूलना चाहिए जो आपसे वोट सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए वसूल करते हैं, जो असेंबलियों की कुर्सियों तक पहुंचने के लिए न जाने कितने बेगुनाह लोगों के खून से अपने हाथ रंगते हैं। आइए हम सब मिलकर वादा करें कि हम अपना वोट उस इंसान को देंगे, उस शख्स को देंगे जो इस मुल्क के लिए जिएगा और जो इस मुल्क के लिए मरेगा। सलाखे उनका रास्ता छोड़ दे और तुम कल अदालत में उनके खिलाफ गवाही न दो तो अपना और तुम्हारा मामला हमेशा के लिए फिट हो सकता है। मिस्टर भाटिया, मेरा नाम डिप्टी हैदर है और हैदर का ईमान ये सुर्ख और नीले बिच्छू नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। आई डोंट माइंड, खरीदने वाले में हौसला हो,
तो महंगा सस्ता सब बिक जाता है डिप्टी। हम चाहते हैं कि ये मामला छोटे फूल पर ही तय हो जाए तो अच्छा है, वरना याद रखो डिप्टी, हम तुमसे भी बड़ा ऑफिसर खरीद सकते हैं। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं ठाकुर, मैं जानता हूं कि इस मुल्क के हर डिपार्टमेंट में बिकाऊ लोग मौजूद हैं, मगर तुम अपनी दौलत के चबूतरे पर किसी भी बाजमीर शख्स को नीलाम नहीं कर सकते। अरे डिप्टी, जोश होश का कातिल होता है। सच्चे जज्बों की सूली पर लटका हुआ इंसान आज के दौर में जिंदा नहीं रह सकता। हमारी बात मान लो डिप्टी, ऐसा चांस बार बार नहीं मिला करता। ये दौलत तुम्हें नई दुनिया से मुतारफ करा सकती है। मैं अपने फर्ज की दुनिया में बहुत खुश हूं, मेरे रास्ते तुम्हारे लालच की धुंध में गुम नहीं हो सकते। मैं रिस्क हराम पर लानत भेजता हूं। मैं कल अदालत में हक और सच की गवाही दूंगा और जरूर दूंगा। इन जैसे मुजरिमों के हाथों से अगर कानून ने असलहा छीनकर हथकड़ियां ना पहनाई तो फिर ये कातिल इस पाक धरती के सीने से सुकून छीनकर इसे गौराम के हवाले कर देंगे। योर ऑनर, मैंने खुद अपनी आंखों से इन मुजरिमों को करारदादे पाकिस्तान के जलसे में गोलियां बरसाते हुए देखा है। मेरे सामने चंद इंसान अपने ही लहू में नहाकर जमीन पर तड़पते रहे, मगर ये कठपुतलियां किसी जालिम के इशारे पर उन मासूम और बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसाती रहीं। योर ऑनर, मुजरिम टोनी और मुजरिम राय गद्दारी की शतरंज के मोहरे हैं, लेकिन इन्हें चलाने वाले हाथ कोई और हैं। अगर इन लोगों के पीछे देखा जाए तो आपको दूर दूर तक बारूद के धमाकों के धुएं में वो चेहरे नजर आएंगे जिन्हें लोग हमारे मुआशरे में इज्जत और एहतराम से नवाजते हैं, मगर मैं अभी उनके नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि हमारे कानून को सच्चाई से ज्यादा ठोस सबूत की जरूरत होती है। योर ऑनर, मैं उन मुजरिमों के चेहरों से नकाब खींचकर अदालत और अवाम को उनकी असल सूरत देखने का मौका जरूर दूंगा, मगर आज मैं कानून और इंसानियत के नाम पर अदालत आलिया से अपील करता हूं कि इन मुजरिमों को कम से कम सजाए मौत का हुक्म सुनाकर कानून की बालादस्ती को कायम रखा जाए। मिस्टर साजिद महमूद, आप इन मुजरिमों की सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? योर ऑनर, डिप्टी हैदर जैसे दयानतदार ऑफिसर की ठोस गवाही और जज्बा हुबुल वतनी में डूबे हुए दलाइल सुनने के बाद अब जरा की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इन्होंने जो कुछ कहा वो सच, और सच के बाद कुछ भी कहना बेकार है। अदालत जानती है कि मैं वकील सफाई की हैसियत में अपना वकालतनामा अदालत में पेश कर चुका हूं, मगर आज पहली बार मैं अपने आप को सच की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता हूं। इसलिए कानून की इस आला अदालत से मेरी भी पुरजोर अपील है कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा सुनाकर मुल्क दुश्मनों के अंजाम को इबरतनाक बना दिया जाए। That's all, Your Honor. अदालत मौके वारदात के गवाह डिप्टी हैदर की गवाही को सच मानते हुए मुजरिम राय और मुजरिम टोनी को जेर दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान के तहत मौत की सजा सुनाती है। Thank you.
करीब फेंक दो ताकि इसकी मौत से दूसरों को इबरत हासिल हो। राजा भैया, न जाने कौन लोग डिप्टी हैदर की लाश को बस्ती के चौराहे में फेंक गए हैं। तुम तो इस दुनिया से चले गए हो, लेकिन तुम्हारा नाम वक्त की दास्तानों में हमेशा जिंदा रहेगा। इधर मैं वादा करता हूं तुमसे, मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ जो आवाज उठाई है तुमने, उसे मैं इस मुल्क के कोने कोने तक फैला दूंगा। मैं अपने मुल्क में नफरत और बर्बादी की आग फैलाने वालों को उनके भयानक अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मैं उनके नापाक कदम अपनी पाक सर जमीन पर नहीं जमने दूंगा, नहीं जमने दूंगा मैं। सहा
राजा साहब। एक मुद्दत से आपका नाम ही सुनते आए थे राजा जी, इन आंखों के नसीब जागे, आज आपका दीदार हो ही गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाटिया जी जी, अपने राजा साहब तो शक्लो सूरत और हुलिये से बिल्कुल सचमुच के लीडर लग रहे हैं, है ना? हाँ। मतलब की बात करो ठाकुर, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको क्या बताएं राजा साहब, मजदूर की पेशानी पर परेशानी की एक लकीर देखकर हमारी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाता है। और राजा जी, अवाम की खिदमत का जज्बा हमसे खाना पीना छीन चुका है। हाय बेचारे अवाम। अवाम तो एक मुद्दत से बेचारगी का शिकार है, लेकिन तुम जैसे लीडरों ने आज तक उनके लिए कुछ किया नहीं। कहो मुझसे क्या चाहिए? चाहना क्या है राजा जी, सुना है कि मजदूरों की बस्ती के सारे लोग आपको अपना लीडर मानते हैं और आपके एक इशारे पे अपनी जान देने का हौसला रखते हैं। हाँ, अगर तुम्हें इलेक्शन लड़ने का इतना ही शौक है ना राजा जी, तो हम तुम्हें किसी दूसरे इलाके से अपनी पार्टी के टिकट पर खड़ा कर देते हैं। और तुम अपने मजदूरों की बस्ती के सारे वोट हमारे बक्से में डलवा दो। हाँ। तो हम तुम्हें और तुम्हारी बस्ती वालों को खुश कर देंगे। खुशियाँ खरीदना और बेचना तुम जैसे सियासी सौदागरों का काम है, वरना गरीब की खुशी तो सिर्फ दो रोटियों के पीछे छुपी रहती है ठाकुर, दो रोटियों के पीछे। उसे दो वक्त पेट भर के रोटी मिल जाए तो खुद को वो खुशनसीब इंसान समझता है। वाह क्या बात है, काफी अच्छा बोल लेते हो, आखिर लीडर हो ना। भाटिया जी तालियां बजाओ ना। मेरी आवाज पर सिर्फ तालियां ही नहीं बजती बल्कि लोगों के दिल भी धड़कते हैं। मेरे मजदूर भाई मुझे प्यार से लीडर कहते हैं, वरना मुझे इलेक्शन लड़ने का और लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी, लीडरशिप तो एक अजाब है, आवाम आराम से सोते हैं और लीडर बेचारे को जागना पड़ता है। झूठ मत बोलो मिस्टर भाटिया, तुम जैसे लोग जब अपनी ऊंची ऊंची कुर्सियों की मस्ती में डूबकर अपने होश से बेगाने होते हो तो फिर अक्सर अवाम ही को जागना पड़ता है। तुम लोग अवाम का एतमाद तो हासिल कर लेते हो मगर उसे अपने जाती मफादात पर कुर्बान कर देते हो। तुम जैसे लीडर वोट तो बहुत महंगा खरीदते हैं लेकिन अवाम और मुल्क को बहुत सस्ता बेच देते हैं। तुम जैसे लीडर अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर सरे शाम उस बाजार के चक्कर लगाते हैं, खुद तो सारी रात किसी तवायफ की बाहों में दादे ऐश देते हैं, मगर घुंघरों की छांव में खड़ी हुई उस गाड़ी पर लगा हुआ कौमी परचम सर झुकाए सुबह होने तक खून के आंसू बहाता है। अवाम को एक अच्छे लीडर की जरूरत हमेशा से रही है, लेकिन जलसे की स्टेज से असेंबली की कुर्सी तक पहुंचते ही ये कमबख्त अवाम से किए हुए अपने सारे वादे भूल जाते हैं। भाटिया जी। जी ठाकुर जी। लीडर भैया तो बहुत फास्ट है, मेरा ख्याल है अगर ये ऐसे ही बोलते रहे तो मैं तो कम से कम चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा। टाइगर। जी मालिक। जाओ और लीडर भैया के लिए एक बहुत बड़ा बक्सा नोटों से भर के इनके कदमों में डाल दो, मुझे यकीन है कि ये हमारा बैलेट बक्स वोटों से भर देगा। जाओ ना। बेहतर ठाकुर जी। ठहरो ठाकुर, अपनी कमींगी के आईने में मेरी सूरत मत देखो, मैं अपने मजदूर भाइयों के एतमाद तुम जैसे चोर और लुटेरों के हवाले नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसे लोग मुल्क और अवाम के दुश्मन हैं और दुश्मन पर भरोसा करने वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं। अरे तुम बहुत कम अकल हो राजा जी, वरना हमारी आफर तुम्हारा नसीब बदल सकती है। मुझे अपना नहीं गरीब और मजदूर का नसीब बदलना है भाटिया, और तुम देखोगे एक दिन गरीब का नसीब जरूर बदलेगा। मैं जा रहा हूं,
लेकिन एक बात याद रखना, सच्चे इंसान का जमीर दुनिया का कोई खजाना नहीं खरीद सकता। तुम्हारी इस बात से मैं बहुत खुश हूं राजा कि तुमने इस मुल्क के झूठे हमदर्दों के लाखों रुपयों को सच्चाई की ठोकर मार दी है। मुझे अपने इंतखाब पर फखर हो रहा है। तुम वाकई बहुत बड़े इंसान हो। मेम साहब, ये मुश्किल अल्फाजों का ताना बाना छोड़े और मेरे दोस्त राजा का घर बसाने वाली बात करें ताकि हम भी कह सके कि यहू तुरुरुरु लबी तुतुरुरुरु तुरुरुरु, फिर एक से दो, दो से तीन, तीन से चार और फिर चल सो चल। मानो कि तुम हो मेरे दिल में, दिल से कभी जुदा न रहना। मानो कि तुम हो मेरे दिल में, दिल से कभी जुदा न रहना। चलाना ये प्यार मेरा अपना।
भैया, इनसे मिलिए। ये राजा है और नागाबस्ती के लोग इसको लीडर भैया कहकर बुलाते हैं, यही कहोगे ना? अरे आप इन्हें जानते हैं? मैं तो इसे अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो? भैया आपने भाई होकर मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, तालीम और शोर के सारे रास्ते मुझे आप ही ने दिखाए हैं। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, मैं राजा को अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहती हूं। अचानक रास्तों में मिलने वाले लोग जिंदगी भर के साथी नहीं बना करते शैला। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? राजा साहब महज एक नाम निहाद लीडर है, मजदूरों के दुख सुख बांटना इनकी वाशी और सियासी मजबूरी है, वरना ये तुम्हारे मुस्तकबिल के दामन में फाकों के सिवा कुछ नहीं डाल सकते। बैरिस्टर साहब ये मत भूलिए कि मैं आपकी बहन शैला के कहने पर आपसे मिलने आपके घर आया हूं। मैं जानता हूं मैं आपकी बहन को कोठी कार या बैंक बैलेंस नहीं दे सकता, लेकिन मैं शैला को वो सुकून दे सकता हूं जो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। मैं इसे वो इज्जत वो मोहब्बत दे सकता हूं जो हर औरत का नसीब नहीं होता। याद रखो राजा, इज्जत सुख मोहब्बत दौलत नामी एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ है, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर शैला ने तुम्हें अपना भी लिया तो दो चार दिन बाद ही इसे अपना फैसला बदलना पड़ेगा। नहीं भैया ये सोच आपके गलत है, मैं राजा को पसंद करती हूं और राजा से शादी करने का फैसला कर चुकी हूं। फैसला? फैसला? फैसले के बाद तो दलाल की गुंजाइश ही नहीं रहती। चला, जिस इंसान का हाथ पकड़ कर तुमने अपनी जिंदगी का सफर तय करना है उसका अपना मुस्तकबिल उसके ख्वाबों की धुन में गुम हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें दुआ नहीं दूंगा। याद रखो मुफलिसी की चक्की में पिसते पिसते अगर तुम्हें कभी अपने भाई की याद आए तो बताना यहां, समझ लो कि मैंने अपने दिल के दरवाजे पे तुम्हारे लिए नफरत का ताला लगा दिया है। चली जाओ यहां से, चली जाओ। क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? हम तो तुझे फरिश्ता समझते थे राजा, लेकिन तुम तो शैतान से भी दो हाथ आगे निकले। क्या कह रहे हो तुम, क्या किया है मैंने? अच्छा तो ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा, कहां है वो औरत जिसके साथ तुमने गुनाह की रात गुजारी है? आप लोगों को गलतफहमी हुई है, वो कोई गैर नहीं, हम दोनों शादी करने वाले हैं। शैला, शैला इन्हें बताओ, शैला जो कुछ ये सोच रहे हैं वो झूठ है, बताओ इन्हें। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो राजा, हमें तो बहुत देर बाद पता चला, ना जाने तुम हम गरीबों की इस बस्ती में कितनी गुनाहगार रातें गुजार चुके हो। नहीं ये झूठ है, तुम लोगों को मुझ पर इतना भरोसा नहीं, बाबा के मरने के बाद मेरा बचपन मेरी जवानी सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है,
कह दो कि तुम सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो, कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। तुम्हारा गुनाह तुम्हारे कांधे के साथ देखकर हम तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करते। तुम्हारी सजा तो ये है कि तुम दोनों को संसार किया जाए। गुजरे हुए वक्त का लिहाज करते हुए हम तुम्हें जिंदा छोड़ते हैं। शरीफों की इस बस्ती में तुम जैसा बदकिरदार इंसान नहीं रह सकता। दबो रहे ऐसे। हम शरीफ बहु बेटे वाले हैं, तुम जैसा शैतानी स्टैंड रखने वाला हमारे दरमियान नहीं रह सकता है। क्यों बस्ती वाले हो? ये शैतान हमारी बस्ती में रहने के काबिल नहीं है। दबो हो जाओ यहाँ से। तुम नहीं, तुम्हारे मुंह में उन लोगों की खरीदी हुई जबान बोल रही है जिन्हें मेरे वजूद से खौफ आता है। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जिन मफाद परस्तों ने हमें अलग अलग करने की कोशिश की है उनसे बचकर रहना। आज तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा ना हो कल तुम्हें यह मुल्क छोड़कर जाना पड़े। तुम्हें शहला दुख्तर महमूद गजनवी बायबस हक मैर शरई कबूल है? कबूल है। से रोशनी हमने तेरे नाम लिखे।
पत्थरों को हमवार करने की कोशिश शुरू कर दी है। यह इलेक्शन जीतना जरूरी हो गया है। अगर हमें असेंबली में कुर्सी मिल गई तो हम कानून के साए में अपने काले धंधे जारी रखेंगे। ओ, ये तो ठीक है ठाकुर जी, पर देखना जब तक हमारी ये कैंपेन अपनी आखिरी हदों को नहीं छू लेती उस वक्त तक हमें अपना ये काला धंधा कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा। देखना दोनों काम एक साथ तो नहीं चल सकते ना। एक बात कहूं भाटिया जी, सीधे साधे आवाम के जेनों में इत्माद पैदा करने से पहले हमें कुछ नकदी दान करना होगी। जरूर करो ना जी, गरीब का दिल जीतना हो तो उसे चंद शेर आता और चंद छोटे नोटों की गड्डियां दिखानी जरूरी होती है। गरीब बहुत जज्बाती होता है भाटिया जी, तकरीरें सुनकर नारे लगाता है और बोलने वाले को अपना आइडल समझ के लीडर बना लेता है। राजा जी, लीडर भैया, ये हराम ज्यादा यहां तक भी पहुंच गया, अब तो वहां तक भी पहुंचाएगा। शैला, शैला, शैला जी, क्या बात है? शैला, तुम जल्दी से इस कैमरे की फिल्म को डेवलप करो और इस टेप रिकॉर्डर को किसी महफूज जगह पर रख दो। ठीक है, कल मैं सब कुछ आवाम के सामने ले आऊंगा ताकि भाटिया ठाकुर और मुस्लिम के असली चेहरों को लोग देख सके। जल्दी करो जी। ठीक है। और बच्चे कहाँ हैं? वो सो रहे हैं अपने कमरे में। अच्छा, लीडर भैया सुनाओ कैसे हो? सब बाल बच्चे ठीक ठाक है ना? लेकिन अब ठीक नहीं रहेंगे। मेरा मतलब है, हमने सोचा था कि हमारे सर से ये बला टल जाएगी, लेकिन तुम तो बड़े दीठ हो राजा भैया, अभी तक हमारा पीछा छोड़ा नहीं। प्यारे प्यारे लीडर भैया, हमारे बारे में जो कुछ तुमने अपने कैमरे में बंद किया है ना, वो हमारे हवाले कर दो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भाटिया जी, मैं जानता था तुम लोग मेरे पीछे जरूर आओगे, इसलिए तुम्हारे खिलाफ हर सबूत महफूज जगह पर पहुंच चुका है और अब तुम लोगों को तुम्हारी सियासी मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। मेरा ख्याल है भाटिया जी कि राजा साहब और इनके अहलो अयाल को अपने आने वाले अच्छे वक्त का सदका समझकर कुर्बान कर देना चाहिए हमें। हाँ मुस्लिम भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं राजा जी के मरने से पहले इनकी चीखें सुनना चाहता हूं। कोई बात नहीं, अभी सुना देते हैं। हरामजादों,
देखते क्या हो? राजा जी को चार से जरब दे दो। में कुछ कहना है तो अदालत तुम्हें इसकी इजाजत देती है। अच्छाई और सच्चाई का भरम कायम रखने के लिए सारी जिंदगी बुराई के खिलाफ जंग की है मैंने जज साहब। ये हथकड़ियां मेरी बेगुनाही का इनाम है जज साहब, मेरी बेगुनाही का इनाम। मेरा कसूर सिर्फ यह है कि मैंने मुल्क के गद्दारों के खिलाफ सबूत हासिल करने की कामयाब कोशिश की। मुझे अपनी बर्बादी का अफसोस नहीं है जज साहब। अगर अफसोस है तो इस बात का कि भाटिया और ठाकुर जैसे लोगों के सीने पर मौसिस शहरी होने के तमगे सजते रहे। तो फिर इस मुल्क के मुअज्ज़ज़ और महज़्ज़ब शहरी अपने आप को मुजरिम समझने लगेंगे। बेशक मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए या जेल के अंधेरों में फेंक दीजिए, लेकिन लेकिन उन गद्दारों को जरूर सजा दीजिए जज साहब, जो इस पाक सरजमीन की बुनियादों में अपनी खुदगर्जी का सीसा उंडेल रहे हैं। उन्हें सजा जरूर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो दरिद्रों की जिंदगी मेरे वतन की मौत बन जाए। उन्हें सजा जरूर दीजिए जज साहब, उन्हें सजा जरूर दीजिए,
उन्हें सजा जरूर दी। हालात और वाकयात को सामने रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राजा ने 3 इंसानों का खून किया है, लिहाजा अदालत मुलजिम राजा को वक्ती इश्तियाल का फायदा देते हुए सजाए मौत की बजाय 18 साल कैद बा मुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाती है। देख लिया अपनी जिद का अंजाम। मैंने तुमसे कहा था ना, जवानी के फैसले हमेशा नादानी के दामन में जा गिरते हैं। मुझे अपनी जुदाई का दुख देकर क्या पाया है तुमने? मैं आज भी तुम्हारे पास ना आता, मगर मैंने तुम्हें एक भाई बनकर नहीं बाप बनकर पाला है, और कोई ही बाप अपनी औलाद का दुख कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम बोलती क्यों नहीं? शला, शला तुम जवाब क्यों नहीं देती? शायद आपके किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल सकेगा बैरिस्टर साहब। नहीं शैला, जिंदगी तो हमने इसकी बचा ली है बैरिस्टर साहब, लेकिन लेकिन ये अपनी याददाश्त खो चुकी है। नहीं नहीं शैला, आपकी बहन की बेटी है बैरिस्टर साहब, उस हादसे में सिर्फ यही मासूम जान बच सकी। खूबसूरत चेहरा देखकर तमीज के दायरे में रहना हमाकत है मेरी जान। लगता है तुम्हें किसी घरेलू औरत ने नहीं बासारी औरत ने जन्म दिया है। आ, आ, छोड़ दो, अरे इस लड़की को छोड़ दो, इतने अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से बच्चे हो और ये क्या तूफानी बदतमीजी मचा रखा है? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। हमारा रास्ता छोड़ दो वरना तुम्हारी टूटी फूटी लाश तुम्हारी शनाख्त भी खो देगी। आजाद जिस रास्ते पर अड़ जाए ना, वहां से उसे हटाना बड़ा मुश्किल काम है मेरी जान। अरे उल्लू,
अभी तुम्हारे माँ बाप घर पे बैठकर ये सोच रहे होंगे कि मेरा लाल मेरा जिगर गोशा तालीम हासिल करने के लिए गया हुआ है। आला तालीम हासिल करेगा और इस मुल्क को कौम का नाम रोशन करेगा, मगर लानत है तुम्हारे चेहरों पर। अबे साले, हाथ में किताबें पकड़ने के बजाय पिस्तौलों कलाशिकों उठा रखी है। तालीम हासिल करने के बजाय मार धाड़, साला डाका, चोरी, दूसरों की इज्जत से खेलना अपना मशगला बना लिया। छी 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 छी, मैं तो कहता हूं कि स्टूडेंट्स का अगर यही मुकाम है तो इस मुल्क के तमाम तालीमी इदारों को बंद हो जाना चाहिए ताकि तुम्हारी जैसी बुराई दोबारा जन्म न ले सके। अबे ओ सड़क छाप बलूंगड़े, ये अपनी बकबक अपने पास रख। इतनी तकरीर तो कभी हमने अपने प्रिंसिपल की भी नहीं सुनी। अरे इसीलिए तो तुम्हारा ये हाल है सारे, बिल्कुल शैतान की औलाद नजर आते हो। सर हमारे थाने में पहली दफा खूबसूरत चीज आई है। शराब, ये क्या बदतमीजी है? इसको पूछो क्या बदतमीजी है। सर आम लौंडियों को उठा के लेके जा रहा था साहब, मेरे को गुस्सा आया, मैंने दो चार हाथ मार के इसका दिमाग सही कर दिया है। हवालात में डालो साले को और पर्चा काटो ताकि बरोबर इसका दिमाग लेवल पे आ जाए। ठीक है ठीक है, तुम बताओ लड़की, ये तुम्हें क्यों उठाना चाहता था? ये तो मैंने इससे नहीं पूछा इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे मालूम है इसकी नीयत ठीक नहीं थी। क्या नाम है तुम्हारा? विक्की। कहां रहते हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे बाप का? भाटिया जी है नाम उनका। भाटिया जी, भाटिया जी के फर्जंद है आप? भाटिया बोल रहा हूं इंस्पेक्टर। जी सर, विक्की को इज्जत और एहतराम के साथ घर पहुंचा दो इंस्पेक्टर। नहीं जी, क्यों नहीं छोड़ूंगा जी, मैं उसे बड़ी इज्जत से छोड़ूंगा जी। और हाँ, ख्याल रहे उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? पुलिस की गाड़ी उसे घर तक छोड़कर आएगी जी। जी ओ सर। हवलदार। यस सर। विक्की साहब को पुलिस की गाड़ी में घर छोड़कर आ बेटे। विक्की साहब जी, अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए समझ गए ना आप? आए सर चलें। ओके थैंक यू, सी यू अगेन। अरे ये क्या किया तुमने? ठीक है इंस्पेक्टर, अभी उसके बाप की हैसियत देख के तुमने उसको जाने दिया? हाँ साला वजीर की औलाद। लेकिन इंस्पेक्टर तुमने अच्छा नहीं किया, अगर जुर्म के कांधे पे कानून का हाथ आ जाएगा ना तो जुर्म शराफत से जीने का हक छीन लेगा। अपने कांधे पे लगे हुए इन फूलों को जरा गौर से देखो इंस्पेक्टर, इन लुटेरों के मुहाफिज अगर तुम लोग बन गए ना तो सरेआम लूट मार का बाजार गर्म हो जाएगा। शराब, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूं तुमसे बेहतर समझता हूं।
मैं इस मुल्क के कानून को अंधा समझती थी, लेकिन आज पता चला है सिफारिश की बेसाखियों के सहारे चलने वाला ये कानून अपाहज भी हो चुका है। एक बात याद रखना, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरा कलम सच्चाई की स्याही में भीग कर सिर्फ हक और इंसाफ की तहरीर लिखता है। मैं तुम्हारे इस गैर कानूनी रवैये के खिलाफ जरूर लिखूंगी, और फिर तुम जैसे बुजदिल और रिश्वतखोर इंसान माशरे से अपना चेहरा छुपाते फिरेंगे, और वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पढ़ लेना अखबार में। बेटे, तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचा के मुझसे बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे माँ जी, एहसान कैसा, अभी फड्डा किसी का भी हुए, आजाद हमेशा कमजोरों का साथ देता। तुम्हारी ये आदत मुल्क के तमाम नौजवान अपना लें तो मेरा ख्याल है फिर कोई भी गैर महफूज नहीं रहेगा। अच्छा माँ जी, अभी मैं चलता हूँ। अरे नहीं, बैठो बेटा, चाय बन गई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटी, तुम बैठो, आजाद से बातें करो, मैं चाय लाती हूँ। अभी तुम मेरे को घूर घूर के क्या देखती हो? हैं? कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। ए, 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 ए। अभी मेरे को मस्का पालिश नहीं लगाओ, हाँ मेरी बात को गौर से सुनो। घर से निकलते वक्त बाहर बाप या भाई को साथ ले जाए करो, जे मुंह उठा के बाहर ना निकल जाए करो। बात ये है आजाद बेटा, कि खुशबू बेटी का मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं। अरे ये तो बहुत गलत हो गया, माफ करना मेम साहब, पता नहीं क्या गुस्से में बोल गया। अच्छा माजी, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, चाय तो पीकर जाओ ना। चाय मैं फिर पी लूंगा, अभी मेरे को एक जरूरी काम याद आ गया। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है, तुम क्या सोचने लगी? मम्मा, काश मेरा भाई, मेरा बाप मेरे सर पर होता तो कितना अच्छा होता। आपने कभी पापा के बारे में कुछ नहीं बताया, बस हमेशा यही कहा है कि पापा हमसे दूर चले गए, लेकिन कहां? आज तुम्हें बता ही देती हूँ बेटी, असेंबली की कुर्सी पर बैठने के शौक ने तुम्हारे बाप मुस्लिम को मुल्क दुश्मन बना दिया था, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी के रास्ते जुदा कर लिए, और ये सब कुछ जो तुम देख रही हो वो मेरे माँ बाप का है। मैंने तुम्हें पढ़ाया और सहाफत के पेशे की तरफ इसलिए भेज दिया कि तुम अपनी कलम से मुल्क और कौम की खिदमत कर सको। लेकिन मम्मा, आप पापा कहाँ हैं ये तो बता सकती है ना? खुशबू, जो रिश्ते टूट जाए उनके लिए सोचना इंसानी अना की तौहीन है। वो जिंदा है कि मर गया ये मैं नहीं जानती। कानून हमारा, ताकत हमारी, और आजाद एक नाली का कीड़ा होकर तुम्हें जख्मी करे, तुम्हें मारे, नहीं अब हम उसे अपनी ताकत का जलवा जरूर दिखाएंगे। नहीं अंकल, मैं आजाद की रूह उसके जिस्म से खुद आजाद करूंगा। अरे नहीं 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 विक्की बेटे, नहीं, तुम अभी नादान हो बेटा। हम किसी भी ऐसे छोटे शख्स का लहू अपनी सियासत की आस्तीन पर नहीं देख सकते। उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। हम आजाद से उसकी आजादी छीन लेंगे। हाँ, छीन लेंगे उसकी आजादी।
अरे आजाद, तुम यहाँ? क्या बतलाएं मेम साहब, कल तुमने मेरे को साला पता नहीं किन नजरों से देखा। सारी रात बिस्तर पे करवटें लेता रहा, करवटें लेता रहा। सारी रात नहीं सोया, अभी यहाँ आकर तुम्हारे दफ्तर के सामने खड़ा हो गया। आजाद, तुम बड़े अजीब आदमी हो। कमाल करती हो मेम साहब, एक तो पता नहीं साला मेरे को क्या हो गया है, ऊपर से तुम हंसती हो। देखो मेरे को गुस्सा आ गया तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, क्या कर सकता, मेरे होते हुए कोई तुम्हारे को कुछ कर सकता है? वो तो मैंने ऐसे ही फ्लो में मजाक में बोल दिया। आजाद, तुम बहुत मासूम हो। मुझे तुम जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। सच में साहब? बिल्कुल सच। अभी इसके बाद क्या फैसला है? फैसला हो चुका। सच? याहू!
मिस खुशबू साहबा, आपको डीडर साहब ने बुलाया है। अच्छा, मैं आई कम इन सर? यस यस यस। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। अच्छा जी, फरमाइए। मिस खुशबू, जमीन पर रेंगने वाला कोई भी कीड़ा चांद और सूरज के सीने में सुराख नहीं कर सकता। जी मैं समझी नहीं। नहीं समझोगी तो मार खा जाओगी। तुमने भाटिया साहब के बेटे विकी के खिलाफ बयान देकर अच्छा नहीं किया। बहरहाल तुम्हारी तरफ से ये माफीनामा लिख दिया है, इस पर दस्तखत करो और खुद जाकर भाटिया साहब और ठाकुर साहब को पेश कर दो। बदनसीब है कौम जिसे खबरें पहुंचाकर खबरदार करने की जिम्मेदारी तुम जैसे खुशामदियों ने संभाल रखी है। सहाफत के मुकद्दस पेशे को तुम जैसे खुद गर्जों ने सस्ता कर दिया है। सच्चे सहाफी के पास एक सच्ची खबर अवाम की अमानत होती है, और अवाम की अमानत में खयानत करने वाले सहाफी को सहाफी नहीं पर्दा फरोश कहते हैं। Get out from here! मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। मैं तुम पर और तुम्हारी नौकरी पर लानत भेजती हूँ। तुम जैसे बिकाऊ लोग मुल्क और कौम के माथे पर बदनुमा दाग हैं। याद रखो, वो दिन दूर नहीं जब सच बोला जाएगा, सच लिखा जाएगा और सच छापा जाएगा, और फिर तुम जैसे बदनुमा दाग हमेशा के लिए मिट जाएंगे। अबे अखबार बाबू, हाथ को काबू में रख। अभी मेरे को ये बताओ साला, तुम ये सच्चाई से घबराता क्यों है? एक लड़की पे हाथ उठाते हुए तेरे को शर्म नहीं आती? उठाएगा हाथ? उठाओ हाथ अभी मेरे सामने, उठाओ। साला तेरा हाथ पैर दांत मुंह तोड़ के रद्दी की टोकरी में ना डाल दिए तो मेरा नाम भी आजाद नहीं। एक तो बिला इजाजत दफ्तर में आ जाते हो, ऊपर से धमकी देते हो। बुलाओ पुलिस को। क्या पुलिस बुलाएगा? बुलाओ पुलिस। आओ मेरे साथ बैठो। अभी साला पुलिस आएगा इधर, हाँ? उसको तेरा पोस्टमार्टम भी करना होगा। कराएगा पोस्टमार्टम? करो फोन। मुझे माफ कर दो, चले जाओ यहां से। नहीं नहीं, करो फोन, इधर ही बैठा हूं मैं। बस करो, इन लोगों के मुंह नहीं लगते, चलो। बात करता है। आओ मेम साहब। अबे ओ मोटू, तेरे को कहीं ना कहीं जरूर टकराएंगा, हाँ? पेट संभाल के रखना, अखबार वालों का नाम बदनाम करता है साला। भागने की कोशिश मत करना आजाद, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट हमारे पास है। इंस्पेक्टर साहब, आजाद का जुर्म क्या है? आप इसे गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं? इस बात का जवाब अदालत देगी मिस। नहीं खुशबू, मिट्टी के इन माधु से सवाल जवाब मत करो, बेकार है। ये बेचारे चाबी के खिलौने हैं, और इनकी चाबी हर बड़ी कुर्सी वाले की जेब में होती है। वो इन्हें जब चाहता है, जहां चाहता है, नचाता है। चलो इंस्पेक्टर। योर ऑनर, मुलजिम आजाद ने अपनी नाजायज आजादी को आजमाने के लिए इस शहर के नेक नाम इंसान मिस्टर भाटिया जी के बेटे विकी को जिस्मानी नुकसान पहुंचाया है, और सरेआम दस्तो गरीबा होकर उसके खानदानी वक्कार और इज्जत से खेलने की कोशिश की है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुलजिम आजाद को उसके जुर्म की सजा सुनाकर शराफत और कानून को तहफुज दिया जाए। That's all your honor. मुलजिम आजाद, तुम अपनी सफाई में अगर कुछ कहना चाहते हो तो अदालत तुम्हें इसकी इजाजत देती है। जज साहब, अभी वकील साहबा ने जिन लोगों को बाइज्जत और बावकार कहा है, उनके चेहरों से नकाब उठाएंगे तो उनके घनौने चेहरे आपको नजर आएंगे। ये विकी,
भाटिया साहब का बेटा। इसने सरेआम एक शरीफ जादी को बाजार से उठाया। लोग बुत बने तमाशा देखते रहे। मैंने इसका रास्ता रोका, इसने मेरे को पिस्तौल दिखाया। मैंने इसको दो चार हाथ मार के थाने में ले गया तो कानून ने यह हथकड़ी डालकर मेरे को अदालत के कठेरे में खड़ा कर दिया। अगर कानून ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है और मुजरिमों के चेहरे नहीं पढ़ सकता तो हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए। अगर कानून कानूनदानों के कलम सरमायादार इसी तरह से खरीद सकता है तो हमें ऐसा निजाम बदलना होगा जज साहब। इसलिए कि कानून ने इंसान को जन्म नहीं दिया, इंसानों ने कानून को बनाया। मुलजिम की जज्बाती और ड्रामाई तकरीर काफी पुरअसर है, लेकिन इसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मिस्टर विकी ने किसी राह चलती लड़की का हाथ पकड़ा है तो उस लड़की को अदालत में पेश करके मिस्टर विकी पर इल्जाम आयद करना पड़ेगा। मिस्टर आजाद, वो लड़की कौन है? वकील साहबा, अभी सफेद पोश तबके में औरत का एहतराम बाकी है। वो यहां अदालत में आकर आपके उल्टे सीधे और यकतरफा सवालों का जवाब देकर अपने औरतपन की तौहीन नहीं करेगी। योर ऑनर, मुलजिम आजाद लफ्जों के फंदों का इस्तेमाल खूब जानता है, लेकिन अदालत जज्बों की जबान सुनकर नहीं हकायक जानकर फैसला करती है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरखास्त है कि मुझे उस लड़की को अदालत में तलब करने की इजाजत दी जाए। मुझे तलब करने की जरूरत नहीं है जज साहब, मैं हाजिर हूं। खातून, अगर आपको कुछ कहना है तो अदालत के कटहरे में आकर कहें। जनाब अली, विकी और उसके साथी मुझे सरेआम उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन आजाद ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। भेड़िए के मुंह से उसका शिकार छीनने का जुर्म आजाद ने जरूर किया है जज साहब। अगर उस वक्त कानून का इंतजार किया जाता तो मैं बेआबरू हो जाती और आबरू लुट जाती, तो आपका कानून, आपका समाज मेरी लुटी हुई इज्जत वापस नहीं ला सकता था। विकी जैसे बदकिरदार लोग ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को रोजाना बेआबरू करते हैं, मगर कानून की मदद इसलिए नहीं मांगते कि कमजोर और इज्जतदार लोग सबके सामने अपने खानदान की लुटी हुई इज्जतों का मातम नहीं कर सकते। इसलिए लुटे हुए लोग अपनी चुप का जहर पीकर दीवारों से बातें करते हैं और आसमान की तरफ देखकर फरियाद करते हैं कि खुदा किसी बेबस और मजबूर माँ बाप को बेटी न दे, बेटी न दे। मैं हाथ जोड़कर अदालत से दरखास्त करती हूँ कि अगर कानून को जिंदा रखना है तो फिर गैर कानूनी हरकत करने वाले को सजा देनी होगी, और अगर अदालत का भरम कायम रखना है तो फिर इंसाफ करना होगा जज साहब, इंसाफ करना होगा। मुकदमे की कार्रवाई और मिस खुशबू के बयान के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम आजाद बेगुनाह है, लिहाजा अदालत आजाद को बाइज्जत बरी करने और विकी को गिरफ्तार करने और इस पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। Thank you.
वकील साहबा, रास्ते में कहीं खुदा न खास्ता कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? इडियट, तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे यहाँ लाकर एक इंतहाई गैर कानूनी हरकत की है। इस जुर्म की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अरे रे 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 रे, गुस्सा ना करो वकील साहबा, बस इतना जान लो कि हमारी सोच की ढलवानों पर कानून नाम का पानी बहता है, इसलिए फैसले की धार हमेशा हमारे दामन में आ गिरती है। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो। थैंक यू वेरी मच। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बातें तो आराम से बैठकर होगी ना। और हाँ, तुम ऐसा करो कि जरा जज साहब को टेलीफोन तो कर लो ना, वो बेचारे अपनी भांजी के इंतजार में धूप में तारे गिन रहे होंगे, है ना? उनसे सिर्फ इतना कहना है बीना बेटी कि मैं अपने बेटे विक्की को आजाद और आजाद को कैद में देखना चाहता हूँ। आओ ना, शाबाश। नहीं, बेइंसाफी की बुनियादों पर फैसला करना कानून की तौहीन है। मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने अंकल के उसूलों को नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा इनकार हमारे उसूलों के सामने दम तोड़ देगा वकील साहबा। शायद हमारी नर्म जबान आपकी समझ में नहीं आई है ना। वाह वकील साहिबा वाह, अभी तुमने अदालत में इन लोगों का साथ दिया, इन लोगों ने तेरे को यहां जलील किया। हाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इसलिए कि तुमने अदालत में मेरे साथ नाजायज किया, कुदरत का लाठी तेरे ऊपर चार्ज हो गया। हाँ, अच्छा हुआ या अभी साला मैं आया था अपना लपड़ा सीधा करने के लिए कि इन लोगों ने मेरे को अदालत में क्यों घसीटा। अभी तेरे वाला ये खूबसूरत सीनरी देखकर सारा गुस्सा ठंडा हो गया। साला यही ऐसा अपनों के साथ ऐसा करता है तो हम तो है ही साला गैर। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं चलता हूं। ए बाप, अभी ये मीटर में आया कि ये पाओ पाओ पाओ, इन भेड़ियों के चुंगल से तेरे को बचाएगा कौन? मुझे कोई दूसरा नहीं, तुम बचाओगे आजाद। क्यों, मैं बचाऊंगा? हाँ। ए, 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 अभी मैं तेरे को क्यों बचाऊंगा? तेरा और मेरा रिश्ता क्या है? वही जो एक बहन का भाई से होता है। जरा सोचो आजाद, आज अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती तो तुम क्या करते? बोलो क्या करते तुम, बोलो क्या करते तुम? सारा बोटी बोटी कर देता, कीमा कीमा कर देता। अभी तुमने मेरे को क्या बोला? भाई बोला? हाँ भाई, मेरे को भाई बोला। अबे ओ भाटिया की औलाद, अब ये मेरी इज्जत है, एक भाई अपनी बहन को तुम जैसे बेगैरतों के दरमियान नहीं छोड़ के जाएगा। अरे 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 अरे, अरे इस मवाली का दिमाग ठीक करो ना, लेकिन जान से ना मार देना। Oh, my God.
ये खेल जो तुमने शुरू किया है भाटिया, इसे बंद कर दो वरना मैं तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगी। अरे 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 बेटी, ये क्या कर रही हो? इस पे गोली क्यों जाया कर रही हो? अगर इसे मारना ही है तो दो चार गालियां दो, ये खुद मर जाएगा। अरे कुत्तो, छोड़ दो इसे, ये तो अपना ही बच्चा है। ए, छोड़ दो छोड़ दो। देखा, मैंने तुझे छुड़वा दिया। अरे मेरे होते हुए तुम्हें कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। कुत्ते कमीने शरीफ आदमी पे हाथ उठाते हैं। चला गया? नहीं अभी नहीं। देखा, अगर मैं इतना बहादुर ना होता तो वो वकील जादी तेरी खोपड़ी में पता नहीं कितने सुराख कर चुकी होती। अगर तुम मर चुके होते तो मुझे तो जनाजा भी पढ़ाना नहीं आता। जनाजा? आप मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, पता नहीं क्यों तेरे को देखकर एहसास हो रहा है कि तेरे जैसी कोई मेरी बहन होती। अच्छा, तो तुम्हारी कोई बहन नहीं? नहीं नहीं, कभी मां की गोद में मुंह छुपा के रोने को जी चाहता है तो कभी बहन की मासूम मुस्कुराहटों की बरसात में भीग कर शरारत की खिलवाड़ करने को जी चाहता है। मैंने मां और बहन का नाम लोगों से सुना लेकिन आज तक उन रिश्तों के चेहरे नहीं देखे। मेरा बाबा मेरे को कहता है कि मेरी मां मेरे को जन्म देने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। कितना बदनसीब हूं मैं। कौन है ये? किसकी आवाज है ये? ये मेरी मां है। आप बैठिए, मैं अभी आती हूं। आप बैठिए। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे अपने मुर्दे के पास जाने दो। छोड़ दो मुझे, क्यों पकड़ लिया मुझे? मुझे जाने दो, मुझे अपने मुर्दे के पास जाने दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मुझे जा। नहीं मां, छोड़ दो। नहीं मां, जाने दो मुझे। नहीं मां, मेरा मुर्दा मेरे इंतजार। नहीं मां, मुझे मुझे जाने दो। ठीक नहीं। फिर तुम्हारे पापा वापस नहीं आए?
नहीं, अगर वो लौट आते तो इनकी ये हालत ना होती। हमें कुछ पता नहीं कि वो कहां और किस हाल में है। कैसे हो करोड़पति? मैं बिल्कुल ठीक हूं राजा भैया। नहीं करोड़पति, मुझे हार नहीं, भालू चाहिए। मुझे भाटिया और ठाकुर से एक एक पल का हिसाब चुकाना है। वक्त के जिस मोड़ पर तुम भाटिया और ठाकुर को छोड़कर गए थे, अब वो वहां नहीं, बहुत आगे निकल चुके हैं। आवाम को अपनी सियासत से जीत कर बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। उनको बारूद से मारना बहुत मुश्किल है राजा भैया। उनको बर्बाद करने के लिए तुम्हें सियासत की शतरंज खेलना होगी। अगर ये सब कुछ कैसे होगा करोड़पति? मैं सब कुछ ही कर लूंगा। और बस्ती वाले भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। बस्ती वाले अपने लीडर भैया को बहुत याद करते हैं। और हाँ, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है राजा भैया, शैला भाभी जिंदा है। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने उनके भाई साजिद महमूद के साथ भाभी को अपनी आंखों से देखा था। शैला, शैला मर चुकी है राजा। नहीं नहीं जज साहब, शैला नहीं मर सकती। मेरी जिंदगी इस बात की गवाह है कि शैला नहीं मर सकती। अब झूठ बोल रहे जज साहब, मेरे दोस्त ने शैला को आपके साथ कुछ दिनों पहले देखा है। अब झूठ बोल रहे हैं। हकीकत के चेहरे पे खुदफरेबी का नकाब मत डालो राजा। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। तुम्हारी सजा शैला की कजा बन गई। तुम्हारा बेटा तो पहले ही गुम हो चुका था, लेकिन शैला की मौत के चंद रोज बाद ही तुम्हारी बेटी भी चल बसी। नहीं जज साहब, तकदीर मेरे साथ इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकती। नहीं, कह दीजिए कि मजाक आप मेरे साथ कर रहे हैं। ये सच है। चले जाओ यहां से। तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखकर मेरे पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए हैं। चले जाओ यहां से, चले जाओ। ये कौन थी अंकल? कैदी था, सजा खत्म हुई तो मुझे गिला करने चला आया। हालांकि फैसला तो उसके खिलाफ तकदीर ने किया था। नहीं भैया, आज वक्त का पहिया घूमकर
जहर उसी जगह पर आ गया है। मुझे अपने 18 बरस जेल में गुजारने का दुख नहीं है। अगर दुख है तो इस बात का कि हम वक्ती नाराबाजी से एक इंसान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं और फिर अपने जहन को साजिशी लोगों का गुलाम बनाकर उसी इंसान को जमीन की धूल बना देते हैं। जमीन की धूल, आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? कब तक होता रहेगा ऐसा? ये बदकिस्मती है हम सब लोगों की कि गुजरा हुआ वक्त कल हमें जहां छोड़कर गया था, हम आज भी वहीं खड़े हैं। आओ हम सब मिलकर अहद करें कि अपने मुल्क को खोखला करने वाली ताकतों का साथ नहीं देंगे। ठाकुर और भाटिया जैसे लोग इस मुल्क का नासूर है, जैसे काट कर ना फेंका गया तो फिर न जाने वो जहर क्या क्या बर्बादी फैलाए। अपने मुल्क को बर्बादी से बचाने के लिए भाटिया और ठाकुर की घिनौनी साजिशों को बेनकाब करना होगा। उन गद्दारों को हम अपनी भोली भाली आवाम की तकदीर से खेलने का मौका नहीं देंगे। अब वक्त आ गया है, इस मुल्क में काबिले एहतराम वही शख्स होगा जो इस मुल्क की सलामती और इसकी बका से प्यार करेगा। पाकिस्तान शराब! वही आवाज, वही गन गरज। साले का अभी तक कोई पुर्जा भी ढीला नहीं हुआ। कमबख्त की आवाज से पूरे घर की दीवारें लर्ज उठी है। ठाकुर जी, इस दफा इंशाल्लाह हम इलेक्शन हार जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो भाटिया जी? तेरे मुंह में खा, मुस्तकबिल का खतरा हाल की कब्र में दफन हो सकता है। अरे होश के नाखून लो ठाकुर जी। देखो, अगर हमने उस लीडर के बच्चे पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया ना, तो जेल की कोठरी हमें कैद करने के लिए खुद जेल खाने से चल पड़ेगी। भाटिया जी, तुमने वो मिसाल तो सुनी होगी कि जहर जहर को और लोहा लोहे को काटता है। अगर हम किसी तरह आजाद को राजा जी के कत्ल पर आमादा कर ले तो इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूट जाएगी। आइए सर, मुझे हमेशा फक्र रहेगा कि मैंने अपने इस अखबार का इफ्तिताह उस इंसान से करवाया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी जालिमों के सामने कलमा हक कहकर गुजारी है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मुझे आपके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। क्या बात है खुशबू? तुमने तो कहा था कि तुम हमें अपने लाइफ पार्टनर से मिलाओगी, कहाँ है वो? अफसोस कि वो अभी तक नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, मैं भी उसको ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये बात हुई ना मिठाई, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। वाह वाह। ओ यू 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 ओ यू यू यू। और खाएगा? लो, अभी मैं खुद खाऊंगा, तुम भी लो। वाह मजा आ गया, कितना खाया तुम्हें मेरा। अरे ये क्या गिरा दिया तुमने? ये मेरे प्रेस के इफ्तिताह पे ना आने की सजा थी जी। इस मिठाई में मैंने भंग मिलाई है। भंग? और अब तुम दिन में तारे गिनो और मैं चली। अरे मेरी जान, इधर आओ। कहाँ जा रही हो? अब लाई हो ये मिठाई, दोनों मिलकर खाएंगे साथ साथ। नहीं नहीं नहीं।
छोड़ दो ना मुझे प्लीज, आइंदा नहीं करूंगी। अच्छा जाओ। किधर जा रही हो? ये है मिठाई, लजीज स्पेशल हमारे लिए बनी है, लजीज है बहुत, लो जरूर है, जरूर है, लो। मेरा छोड़ दो प्लीज। जादू क्या कहने, मैं बिना पिए ही झूम गया, मैं बिना पिए ही झूम गया, मैं बिना पिए ही झूम गया।
चकोरी लगती है, तेरे प्यार से दुनिया जलती है। हमारा नशा ठंडा हो गया। आप दोनों को होश में लाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अबे तुम हो कौन? हमें भाटिया जी और ठाकुर साहब ने आपकी खिदमत के लिए भेजा है। अच्छा, और हाँ, उन्होंने कहा है कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप उन्हें मुलाकात का शर्फ बख्शें। ठीक है ठीक है, अभी ज्यादा मस्का पालिश नहीं लगाओ मेरे को। हाँ, पहुंच जाऊंगा मैं। ये बच्चा बीमार है, मैं कुछ पैसे दे दूंगा, इसे डॉक्टर को दिखा देना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दुआ करें बहन जी। भाटिया जी, कितना प्यारा बच्चा है, इसे अपना बच्चा समझकर एक पपी तो कर लो। ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। दुआ किया करें। आप हमारे अनदाता हैं ठाकुर साहब। बिस्मिल्लाह। हम मजदूर लोगों पर आपके बहुत एहसान हैं। खुदारा उस राजा नामी लीडर का कुछ कीजिए, आजकल वो हमें जान से मार देने की धमकियां दे रहा है। कोई बात नहीं, जालिम का अंजाम बहुत खतरनाक होता है, अल्लाह उसे पूछेगा। ये लीजिए। राजा लीडर ने कहा है अगर मेरी मर्जी के खिलाफ एक वोट भी दिया तो मैं सारी बस्ती को तबाह कर दूंगा। भाटिया जी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो शरीफ लोग हैं, जालिम से अल्लाह समझेगा। वैसे बहन जी, आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा होता है। हाँ होता है। अरे आजाद बेटा, अरे भाटिया जी, देखो तो कौन आया है। ठाकुर जी, इन गरीबों और मजदूरों की खिदमत करते करते मुझे तो कुछ सुझाई नहीं देता। यही मेरा हाल है। अरे कौन है? ओ आजाद बेटा, दफान। अरे जाए जाए आप लोग, अरे जाए। और घर जाके हमें दुआएं दे नफल पढ़ के, कि परवरदिगार हमें ऐसे ही तौफीक दे और हम आप लोगों को बांटते रहे। आमीन। अरे आजाद बेटा, सब लोगों ने मेरे को बोला, साला तुम लोग एक नंबर का फ्रॉड है, एक नंबर का। अभी ये सब कुछ देखा, एकदम उलट है, समझ में नहीं आता। साला ये मीटर एकदम घूम गया। अरे बेटा, कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना दोनों झूठ होते हैं। अब देखो ना, हम दोनों तो मुल्क की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं और हमारे मुखालिफ हमें मुल्क दुश्मन चोर लुटेरा कह के पता नहीं क्या क्या गालियां बकते रहते हैं, लेकिन हम तौबा तौबा अल्लाह के लिए सब कुछ सुनते रहते हैं। क्यों भाटिया जी? नहीं, आजाद बेटा, अरे गरीबों की बस्ती का वो लीडर उर्फ राजा भैया बहुत बुरा आदमी है, बेरूनी ताकतों के लिए काम कर रहा है। मगर बेटा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो शरीफ लोग हैं, लेकिन अगर वो राजा जिंदा रहा तो इस मुल्क की अंदरूनी साजिशों में इजाफा होता रहेगा और एक दिन साजिशों का ये खंजर हमारे मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देगा। और तुम जैसा निडर और बहादुर जवान अगर उस मुल्क दुश्मन को खत्म कर दे तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। क्यों भाटिया जी? ए, क्या बोला? अभी इस मुल्क का दुश्मन हमारा दुश्मन है। दुश्मन का सरका की मसाला किसी और से नहीं लेगा। सुबह के अखबार में उस फटीचर लीडर के कत्ल की खबर पढ़ लेना। अबे ओ बस्ती वालों,
किधर गया तुम्हारा लीडर राजा? अभी जिस साले का मैंने बजाना इधर बाजा। खबरदार, अगर राजा भैया के खिलाफ एक लाख भी मुंह से निकाला तो इस बस्ती से तुम्हारी लाश ही जाएगी। अभी तुम लोग सारा उस बैरूपिया को अपना लीडर समझते हो? अभी उसके चेहरे से नकाब उठाऊंगा, उसका असली चेहरा दिखाऊंगा। याद रखना, तुम लोगों में से किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम सब लोगों के समेत सारा इस बस्ती को तबाह कर देगा। कौन हो तुम? तेरी आवाज की घनगरज बताती है कि इस बस्ती का नाम निहाद फटीचर लीडर राजा आजाद के सामने खड़ा है। चाहते क्या हो? मैं तेरी मौत। लगता है किसी गहरी साजिश का शिकार होकर यहां तक पहुंचे हो। हकीकत को साजिश मत कहो। अभी मेरे को भाटिया और ठाकुर ने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। हां, तुम बैरूनी ताकतों का एजेंट है। एजेंट? अभी इस पाक सरजमीन के टुकड़े करके गुलामी की जंजीरें दोबारा हमारे गले में डालना चाहते हो? नहीं, याद रखो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तेरे नापाक वजूद का बोझ सोनी धरती के सिरे से उतार फेंकूंगा। ठहरो। लगता है भाटिया और ठाकुर जैसे गद्दारों ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए इस नौजवान को मेरे सर की कीमत देकर यहां भेजा है। लेकिन आज मैं इस नादान को बताऊंगा कि मैं सिर्फ लफ्जों की जंग ही नहीं लड़ता बल्कि बारूद से खेलना भी जानता हूं। मैं आज मैं इसे बताऊंगा कि बालों में सफेदी आ जाए तो इंसान का अज़्म उसके बाजुओं की ताकत बन जाता है। मैं इसे बताऊंगा कि सच्चाई और ईमान की ताकत बड़े से बड़े चट्टान को पाश पाश कर देती है। नौजवानों का खून अगर बाजारों में बहाओगे तो फिर वतन की सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? ये बुरा नहीं है, इसे भटकाया गया है। सियासत की मंडी में बोली लगाई गई है इसकी। सुनो नौजवान, मुल्क से गद्दारी का जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया है, अगर उसका सबूत कहीं से तुम्हें मिल जाए तो मेरे पास आ जाना। तुम्हारी दी हुई मौत मैं हंसकर अपने सीने से लगा लूंगा। जाओ।
कोई गोली न चला है। बंदूकें हटाओ। अगर राजा जी माजी की खिड़की से छलांग लगाकर हमारे आज के सहन में कूद ही पड़े हैं तो इन्हें चंद गड़ियां हमसे भी मिल लेने दो भाइयों। आओ मैंने सारी जिंदगी खतरों के साथ आंख मिचौली खेली है ठाकुर, और ये खेल मैंने आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं आंखें खोलकर खेला है। मौत मेरे साथ खेलते खेलते खुद भी मेरी तरह बूढ़ी हो चुकी है। मुझे मौत से डर नहीं लगता ठाकुर, नहीं। ए राजा जी, लगता है तुम्हें मौत से मोहब्बत और जिंदगी से नफरत हो चुकी है, वरना इस मौत घर में तो मौत का फरिश्ता भी आकर दस्तक देता है। तुम्हें डर नहीं लगा? अरे नहीं नहीं ठाकुर जी, ये बात नहीं है। या तो राजा जी हमारी पिछली कर्म फरमाइयां भूल चुके हैं और या फिर इस उम्र में सेठी आ गए हैं। 18 बरस जेल के अंधेरों में अपनी और तुम्हारी यादों का दिया जलाकर रोशनी की है मैंने। 18 बरस कुछ भी नहीं भूला मैं। गुजरे हुए कल की तस्वीरें आज भी देख रहा हूं मैं भाटिया, आज भी देख रहा हूं मैं। हमने तो सोचा था कि तुम कहीं जेल की सलाखों के पीछे मर खप चुके होगे, लेकिन तुम तो बड़े सख्त जान और ढीठ हो राजा जी, कमाल है अभी तक जिंदा हो। मेरे सब्र की दीवार को मत फलांगो ठाकुर, तुम लोग इतने घटिया हो कि एक किराए के कातिल को मेरे सर की कीमत देकर मुझे कत्ल करवाने के लिए भेज दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। तुमने मेरे महकते गुलशन को उजाड़ा, मेरी जिंदगी की राहों में कांटे बोए, जिन कांटों की फसल को काटते काटते जख्म जख्म हो चुका हूं मैं। 18 साल जेल की सलाखों के पीछे बेबस तड़पता रहा, और तुम मेरे मुल्क और इस मुल्क की आवाम की तकदीर के साथ घिनौना खेल खेलते रहे 18 साल। लेकिन अब वक्त आ चुका है कमीनों, मुझे अपने और इस पाक सरजमीन के साथ होने वाली ज्यादतियों का कतरा कतरा हिसाब चुकाना है तुमसे, कतरा कतरा हिसाब चुकाना है तुमसे। हिसाब? हिसाब किताब मुझसे? तुम्हारा कसूर नहीं है राजा जी। मरने वाला इस उम्र में अक्सर ऐसी उल्टी सीधी बातें करता रहता है। भाटिया जी, मेरा ख्याल है राजा जी का लाउड स्पीकर अब बंद ही कर दिया जाए। मुझे मौत की धमकियां मत दे हरामजादे, चला गोली चला, लेकिन याद रख मेरे जिस्म से निकलने वाली लहू की हर बूंद जमीन पर गिरकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद लिख देगी। ठहरो, कान खोल के सुन लो, अगर लीडर भैया के जिस्म को एक भी गोली छू गई तो मेरी कमर के पीछे खड़े हुए ये आवाम बुराई के इस ताजमहल को तबाह बर्बाद कर देंगे। देखो देखो मेरे पीछे मेरी ताकत आंख पहुंची है, ये वो लोग हैं जिन्हें तुम हमेशा से दबाते आए हो। लेकिन याद रखो, ये लोग जब जाग जाएं तो हुकूमतों का निजाम बदल जाता है। अरे राजा भैया, अरे अपने और हमारे ताल्लुकात का कुछ तो ख्याल करो ना जी।
इन लोगों को यहाँ से ले जाओ ना जी। आज तो इनकी तादाद बहुत कम है भाटिया, लेकिन फिर भी इन्हें देखकर तुम्हारा दम निकला जा रहा है। इस वक्त तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कुछ अरसे बाद तुम लोगों का मुकदमा इसी अवाम की अदालत में पेश होगा और तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला भी यही अवाम करेगी। यही अवाम। लीडर भैया, 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 लीडर भैया। जिस राजा को वो बुरा भला कहते वो तो सच्चा और मोहब्बे वतन लीडर है, तुम्हें उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ठीक है ठीक है, पहले उस बुड्ढे को बहुत सुन लिया और अपनी तकरीर बंद करो। कह दिया ना कि नहीं जाऊंगा उस बस्ती में, और साला भाटिया और ठाकुर उससे भी नहीं मिलूंगा। अब बोलो क्यों बुलाया था मेरे को। हाय, तुम तो बुद्धू के बुद्धू रहे।
झूठे परे भी मक्कार, तूने आज तक मेरे बीवी बच्चों को मुझसे दूर रखा है। मैंने 18 बरस जुदाई की सूरी पर तड़प तड़प कर गुजारे हैं। बता मेरे बच्चे कहां हैं? मेरी शैला कहां है? बता। मर चुकी है शैला। नहीं कमीने, मैंने अपनी आंखों से शैला को तेरी गाड़ी में बैठे हुए देखा है। बता कहां छुपा रखा है तूने शैला को? बता नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बता। मेरी गुड़िया? हाँ पापा, आपकी गुड़िया। गुड़िया पापा। पापा गुड़िया, तुम्हारी माँ शैला, शैला, तुम्हारी माँ कहाँ है बेटी? शैला, मेरी तरफ देखो शैला, मैं तुम्हारा राजा हूं। मैंने 18 साल जेल के अंधेरों में तुम्हारी यादों का दिया जलाकर रोशनी की है। मुझे ऐसी अनजान नजरों से मत देखो शैला, बहुत दुख से है मैं। मेरी तरफ देखो शैला, मेरी तरफ देखो। बीना, तुम्हारी मां को क्या हो गया? बीना, मेरे कदमों की चाप सुनकर दरवाजे तताने वाली आज मेरी आवाज सुनकर चुप क्यों है? ये बोलती क्यों नहीं है बीना? ये बोलती क्यों नहीं है? ये नहीं बोलेंगी पापा। मैंने भी अपना बचपन इसी अधूरी ममता की छांव तले गुजारा है। आपसे बिछड़ने के बाद ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तरफ देखो शैला, मेरी तरफ देखो शैला। तुम्हें बीता हुआ एक एक पल याद करना होगा। मेरे साथ किया हुआ एक एक वादा निभाना होगा तुम्हें। तुम्हें सब कुछ याद करना होगा शैला, तुम्हें सब कुछ याद करना होगा। याद कर। छोड़ दे मुझे। तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए? मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं मुकद्दर हूँ तुम्हारा, तुम मेरी तकदीर हो। मैंने अपने दिल पे जो लिखी है वो तहरीर हो। मैं मुकद्दर हूँ तुम्हारा, तुम मेरी तकदीर।
में जो लिखी है वो तहरीर हो। आपको मांगा खुदा से कुछ न मांगेंगे कभी। आपको मांगा खुदा से कुछ न मांगेंगे कभी। हमने तेरे नाम लिख दी हम सफल ये जिंदगी। मेहरबानियां हमेशा याद रहेंगी मुझे। हाँ शैला तुम्हारी बीवी और बीना बेटी है तुम्हारी। मेरा भला क्या हक है इन पर, कैसे रोक सकता हूं तुम लोगों को। हो सके तो मेरी माजी की तमाम गलतियों को भुलाकर मुझे माफ कर देना। आज अगर आपकी जिद आपकी ना टूटी गई है तो मैं आपके रिश्तों को टूटने नहीं दूंगा। जज साहब राजा राजा ये रही वो फिल्म और टेप रिकॉर्डर 18 बरस पहले जिसकी वजह से हमारे घर की बर्बादी शुरू हुई थी। अब बर्बादी और ठाकुर की होगी शैला। मैं उन गद्दारों की काली करतूतों को सरेआम आवाम के सामने लाऊंगा। आजाद बेटे इधर आओ। क्या हुआ? इस तस्वीर को देखो, जानते हो ये कौन है? अरे बाबा इसको तो मैं बराबर जानता हूं। मैं इसको कत्ल करना चाहता था लेकिन साले को छोड़ दिया था। अच्छा हुआ, वरना आज का पछतावा तुम्हारी जान ले सकता था। क्या मतलब है बाबा? मैंने एक मुद्दत तक इस राज की हिफाजत की है, अगर आज मैं वो सब कुछ कह दूंगा जो कल तक राज था। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। देखो झूठ नहीं बोलो। मैं कहता हूं झूठी बोलो बाबा। नहीं, मुझे तुम्हारी कसम है बेटा, मैं सच कह रहा हूं। सुनो बेटा, आज से 20 बरस पहले
भाटिया और ठाकर ने तुम्हारे बाप राजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके घर पर हमला किया। सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए तुम्हारे पीछे भागा। तुम्हारी मासूमियत देखकर खुदा ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम डाल दिया। एक काफिर मुसलमान हो गया और मैंने भाटिया और ठाकुर का साथ छोड़कर तुम्हें अपना लिया। उस दिन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें अपना खून जानकर तुम्हारी परवरिश की, मगर आज राजा की तस्वीर देखकर यह एहसास हुआ कि मैं खुद को ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे सकता। मैं बाप बेटे के प्यार के दरमियान दीवार नहीं बनना चाहता। मैं बहुत जालिम हूं, मेरे से गलती हो गई अल्लाह, मेरे से गलती हो गई अल्लाह। ये हाथ बाप पर उठ गया सारा, ये हाथ बाप पर उठ गया सारा, ये हाथ तोड़ देगा, तोड़ देगा, तोड़ देगा, तोड़ देगा। नहीं, 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 ये सब कुछ अनजाने में हुआ बेटा, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। आओ मेरे साथ बेटा, आज बाप बेटे की मुलाकात सरेआम जलसे में होगी। इस मिलाप पर हर राग भीग जाएगी बेटा, हर राग भीग जाएगी। अपने लाडले बेटे की रिहाई पर हम एक ऐसा तोहफा पेश करेंगे कि जिसे देखकर हमारा लाडला बेटा जेल में गुजारे हुए चंद दिनों की तकलीफ भूल जाएगा। रियली पापा? रियली बेटा। जानिया तोहफा पेश करो। तुम सबका अंजाम बहुत भयानक होगा। हम जैसे लोग जिंदा रहे या न रहे, मगर इस मुल्क की आवाम और इस मुल्क की तारीख तुम जैसे जमीर फरोशों को कभी माफ नहीं करेगी। इस लौंडिया की 70 गज लंबी जबान बंद कर दो, वरना मेरा नन्ना सा दिल बैठ जाएगा। आप फिक्र ना करें अंकल, ऐसे फड़कने वाले परिंदों के पर काटने आते हैं मुझे। हाँ, इसका जोरे कलम और जोरे जवानी मैं अभी खत्म कर दूंगा। हाँ, नहीं, कुत्ते! एक माँ के होते हुए कोई बेगैरत उसकी बेटी के आंचल तक नहीं पहुंच सकता। माँ, माँ, तू नहीं मर सकती, माँ, तू नहीं मर सकती। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी माँ को रेंगो, यस बॉस, इस मूज और हसीना को शीशे के कमरे में बंद कर दो और इसकी मां की लाश को ले जाकर किसी वीराने में फेंक दो। छोड़ दो, नहीं। आज मैं तुम्हारे साथ इसलिए जाना चाहता हूँ राजा के देखे तो सही तुम्हारी जलसे होते कैसे, और खासतौर पे आज तुम भाटिया और ठाकुर के बारे में इंकशाफ क्या करते हो। जल्दी चलिए, अवाम राजा भैया की तकरीर सुनने के लिए बेकरार है। हाँ,
हो गया? मुझे अपनी मौत पे फख्र है राजा। मेरी जान अपनी बहन के सुहाग और अवाम के पसंदीदा लीडर को बचाते हुए। साजिद साहब, हमसे टकराने का अंजाम। अपने कद से भी ऊंची बात करते थे तुम, हमसे टकराए और हमारे ही कदमों में आके गिर गए। बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में तकरीर करते थे तुम। हां, मेरा ख्याल है शायद तुम ये नहीं जानते थे कि सियासत के मैदान को जीतने के लिए सिर्फ तकरीरों ही नहीं, दौलत और ताकत की भी जरूरत होती है। सियासत के मैदान में ताकत का इस्तेमाल सिर्फ वो लोग करते हैं जिनके वजूद से अवाम को नफरत होती है। मुझे यकीन है कि मैं मर भी गया तो मेरी लाश के आईने में मेरे मुल्क के अवाम तुम्हारे घिनौने किरदार की परछाइयां अच्छी तरह देख लेंगे और फिर कयामत से पहले कयामत तुम्हारे सर पर टूट पड़ेगी ठाकुर। कयामत तो तेरे सर पे टूट पड़ी है राजा जी। जज्बाए हुबुल वतनी तुमसे तुम्हारा क्या कुछ छीन सकता है? ये जानने के लिए जरा उधर देखिए और देखने के बाद हमें हमारी कमीनगी की भरपूर दाद दीजिए। देखिए ना, लोग जलसे में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे राजा जी, लेकिन वहां तुम नहीं पहुंचोगे बल्कि वहां तुम्हारी वो वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी जो इस वक्त हम बनाएंगे और जिसमें तुम ये इकरार करोगे कि तुम एक गैर मुल्की एजेंट हो और हमारे मुल्क को तबाह करने के दर पे हो। और जब लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि तुम गद्दार और हम मुहिब्बे वतन हैं तो तुम्हें तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी को बहिफाजत दूसरे मुल्क पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखो, अगर तुमने इकरार न किया तो तुम तो अपनी जान से जाओगे ही, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बखेर दी जाएंगी। बोलो, क्या फैसला किया है तुमने? एक बात अच्छी तरह याद रखना भाटिया, तारीख गवाह है। इस मुल्क की बुनियादें रखते हुए हमने लाखों नौजवानों, बुजुर्गों और बहु बेटियों की कुर्बानी दी है। मैं समझूंगा 14 अगस्त एक बार फिर आ गया है। मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपनी भोली आवाम के जहन पर तुम्हारी सच्चाई की तस्वीर नहीं उभरने दूंगा भाटिया। नहीं, मैं तुम सब लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुप, बस करो, बस करो, खुदा को मानो, बस करो। मैं बाप, अगर तू ऐसे ही जोर जोर से बोलता रहा तो आवाम जाग जाएगी। आवाम जाग गई तो हमें सोना पड़ेगा और हमें हमें बिल्कुल नींद नहीं आती। ले जाओ इसे और फांसी पे लटका दो,
ले जाओ। राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया। खामोश खामोश भाइयों। मेरे अजीज हमवतनों, आज आपका लीडर भैया हमारे खिलाफ कोई ठोस सबूत दिखाकर आपके दिलों पे अपनी सदाकत और हमारे खिलाफ बेइज्जती की मोहर लगाना चाहता है। भाइयों, अगर वो आ जाता तो हम आपकी नफरत हंसकर अपनी झोली में डाल लेते, मगर यकीन कीजिए वो झूठा है, फरेबी है, धोखेबाज है, वो नहीं आएगा। बाबा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आजाद बेटे, मुझे तो राजा का ना आना ठाकुर और भाटिया की साजिश का हिस्सा लगता है। भाइयों, राजा जी के ना आने का गम भुलाकर उनको खुशामदीद कहो जो आपके सामने हाथ बांधे खड़े हैं। जी बिल्कुल। देखे भाइयों, हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम इस मुल्क की सलामती के लिए जाने कुर्बान कर देंगे। देखिए, अगर आवाम सरकार ने हमें खिदमत का मौका दे दिया तो नतीजा वो निकलेगा कि जिसे देखकर लोग गरीबों और मजदूरों के मुकद्दर पर रश्क करेंगे। झूठ बोलते हैं ये। दोस्तों, मेरे को सियासत तो नहीं आती, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम लोगों का वोट मुल्क की मुकद्दस अमानत है और मुकद्दस अमानत चोरों, डाकुओं और लुटेरों के हवाले नहीं की जा सकती। झूठ बोलता है ये आप लोगों को हमारे खिलाफ बरगला रहा है। ये शर पसंद जरूर सीडर भैया का चमचा लगता है। भाटिया कुत्ता, ठाकुर कुत्ता, भाटिया कुत्ता, ठाकुर कुत्ता, भाटिया कुत्ता, ठाकुर कुत्ता, भाटिया कुत्ता, भाटिया कुत्ता। आवाम तो बदल गई है, अब हमें भी बदलना होगा। अरे कमबख्तों, चांद मारी शुरू कर दो। भाटिया जी, चलो निकले, चलो चलो। आवाम तो बदल ही गई है, अब इस कमबख्त का भी तख्ता उल्टा दो। को पहचाना नहीं, मैं तेरा वही पप्पू हूं जिसे गर्दी से वक्त ने तेरे से दूर कर दिया था। राजा जी, ये आप ही का बेटा है जिसे मैं आपके सामने कत्ल करने निकला था। Ah!
लीडर भैया, हमें माफ कर दो, हमें एक दफा इस मुल्क से बाहर जाने का मौका दे दो। लीडर भैया, हम ठाकुर जी की जान की कसम खा के कहते हैं, पलट के इधर नहीं देखेंगे। नहीं भैया, तुम पाकिस्तान का नक्शा बदलना चाहते थे ना, लेकिन याद रखो, हमारे नक्शे की सुर्ख लकीरें हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से खींची हैं। ये लकीरें नहीं खंदके हैं कमीने, जिन्हें फलांग कर कोई भी दुश्मन इस तरफ नहीं आ सकता, कोई भी दुश्मन इस तरफ नहीं आ सकता। और कोई तुम जैसा गद्दार इधर से उधर जा नहीं सकता। मुझे इस मुल्क की सलामती अपनी जान से ज्यादा अजीज है, इसलिए मैं तुम लोगों को भागने नहीं दूंगा। मरने से पहले मेरे मुल्क की शान में जिंदाबाद का नारा लगाओ, पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।